आप अगर इस सोल्जर को देखें तो इनकी एज सिर्फ 17 इयर्स है. ही वाज बोर्न इन 1928 एंड ही डाइड इन 1945. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लोज टू हिमालयाज. आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, बट आज दो या तीन दिन बाद ब्रतिसावा का वेदर है जो बहुत प्रेजेंट हुआ है, जो कि 3 से 4 डिग्री है. अभी लास्ट वीक यहाँ पे -3 -2 चल रहा था और स्नोफॉल भी हुआ था 2 दिन पहले, तो इसलिए आज मैं आई हूँ और घूमने निकली हूँ 11 की तरफ. तो आप वो पीछे मेरी तरफ देख सकते हैं, तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ जो कि एक वॉर मेमोरियल है जो कि सोवियत आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर बना हुआ है. World War II में जो सोवियत आर्मी के सोल्जर शहीद हुए थे उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है. तो मैं आज वहीं जा रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Life keeps spinning, no one's winning, are we? Life keeps spinning, no one's winning, are we ever gonna stop pretending? तो अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर और मैं ऑलमोस्ट 250 स्टेयर्स चढ़ चुकी हूँ और हम पहुँचने वाले हैं बस आई थिंक 100 से 200 मीटर और बचा हुआ है और फिर आपको दिखाते हैं. ओके गाइस, सो वी रीच द वॉर मेमोरियल. ये जो मॉन्यूमेंट है जो वॉर मेमोरियल, ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 1957 टू 1960 के बीच में और इसकी ओपनिंग हुई थी 3 अप्रैल 1960 को. इस पूरी सिमेट्री में 6845 सोल्जर्स को बरी किया गया था, जिसमें से 228 की इंडिविजुअल ग्रेव्स हैं जो कि ये सारी हैं. उनके नेम्स और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ सब कुछ मेंशनड है. और उसके अलावा बाकी जो सोल्जर्स थे उनकी मास ग्रेव्स बनाई गई थी जो कि आई थिंक इसके ऊपर यहाँ पे और ऊपर साइड भी है कुछ, तो आपको दिखाते हैं. आप अगर इस सोल्जर को देखें तो इनकी एज सिर्फ 17 इयर्स है. ही वाज बोर्न इन 1928 एंड ही डाइड इन 1945. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत से सोल्जर्स हैं जो बहुत यंग एज में ये जो शहीद हो गए थे, तो आप समझ सकते हैं एक सोल्जर चाहे किसी भी देश का हो अगर वो शहीद हो जाए तो उनकी फैमिली मेम्बर्स पे क्या बीतती होगी. अभी जो ये मेरे पीछे आप ओबेलिस्क देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो अभी हम वहाँ पे जा नहीं सकते. अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो ये 42 मीटर पूरा टॉल है और इसके टॉप में एक सोवियत आर्मी के सोल्जर का स्टैचू लगा हुआ है जो कि 12 मीटर टॉल है. अगर आप उसके हैंड में देखेंगे तो उसके एक हैंड में आपको एक फ्लैग दिखेगा. ये जो पूरा वॉर मेमोरियल है ये डिज़ाइन किया था यान स्वेटलिक नाम के एक आर्किटेक्ट ने और इस मॉन्यूमेंट को 1961 में नेशनल कल्चरल मॉन्यूमेंट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था. आज भी यहाँ इन सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स या उनके लव वंस यहाँ पर आते हैं, उनको विजिट करते हैं और कैंडल्स जला के या फिर फ्लावर रख के उनको याद करते हैं और उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देते हैं. ऐसे आपको बहुत सारी कैंडल्स और फ्लावर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन ग्रेव्स के पास.
इस वॉर मेमोरियल के साथ यहीं पर एक छोटा सा पार्क भी है साथ में। आप देख सकते हैं ये वॉर मेमोरियल है और यहाँ पर ये पूरा बहुत ही सुंदर सा पार्क है जहाँ पे हम लोग अक्सर इवनिंग वॉक ले आते हैं। तो वो बहुत ही यहाँ पे बहुत शांति है और बहुत मतलब बहुत पीसफुल प्लेस है यहाँ पे। इसी मॉन्यूमेंट के साथ यहाँ पर एक मिलिट्री बंकर है विच आई गॉट टू नो कि ये वर्ल्ड वॉर वन से है। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। इनको मिलिट्री के टर्म्स में लूपहोल बोला जाता है जहाँ से आप कोई भी मोमेंट पे नजर रख सकते हैं। अगर आप इनका शेप देखोगे तो ये स्टेयर्स की तरह है। उससे बेनिफिट ये है कि दुश्मन आपको नहीं देख सकता लेकिन आप दुश्मन की हर मोमेंट पे नजर रख सकते हो। इसी बंकर के सामने आप देखोगे तो आपको ब्रतिस्लावा कैसल दिखेगा और आपको ब्रतिस्लावा का एक सिटी पार्ट दिखेगा जिससे आपकी देखने की रीच बढ़ती है और आप सिटी पे नजर रख सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये बंकर की परफेक्ट लोकेशन है। अभी तो यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्शन हो गया है बट पहले यहाँ पे कम कंस्ट्रक्शन रहा होगा और मोस्टली स्पेस खाली होगा। मेमोरियल के चारों तरफ आपको ये पेड़ दिखेगा जो कि पाइन ट्री है। मैं उत्तराखंड से हूँ और वहाँ पे ये पाइन ट्रीज बहुत होते हैं और उत्तराखंड में इनको चीड़ के पेड़ बोलते हैं और इसमें बहुत सारे फीते भी लगे हुए हैं जो कि हम लोग वहाँ पे उत्तराखंड में आग जलाने के लिए या फिर घर में कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए अगर आपकी कोई मेमोरी है या आप उत्तराखंड से हैं या किसी और स्टेट से हैं और आपके वहाँ ये पेड़ होते हैं तो आप इन चीज़ का क्या करते हैं और इन फीटों का क्या करते हैं। फिर मेरी नाक लाल हो गई है ठंड से। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।